जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनएचएम कार्मिकों की। एनएचएम जो कार्मिक हैं, जो ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से सफल होकर मेरिट के माध्यम से चयन हुए थे, मैं बात कर रहा हूँ एनएमजीएनएम एनएचएम भर्ती 2016 की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर नर्सेज का कैंडल मार्च। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते पुलिस ने नर्सेज को एकत्रित होने से रोका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2016 में कार्यरत नर्सेज निकाल रहे थे सांकेतिक मार्च। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पर जो एनएचएम में जो कार्यरत एएनएम और जीएनएम अभ्यर्थी हैं, वो अपनी जो मानदेय है, जो 7,900 रुपए है, उसको बढ़ाकर 26,500 रुपए प्रति माह किए जाने और अन्य मांगों को लेकर यहाँ पर सांकेतिक मार्च निकाल रहे थे। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका है। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के ट्विटर हैंडल की अपडेट है, जैसा कि देख सकते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर नर्सेज का कैंडल मार्च। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते पुलिस ने नर्सेज को एकत्र होने से रोका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2016 में कार्यरत नर्सेज निकाल रहे थे सांकेतिक मार्च। 7,900 रुपए मानदेय की बजाय दूसरे राज्यों की तरह मानदेय देने की मांग। मार्च की सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर, नर्सेज को समझाइश कर वापस भेजा गया हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, मार्च निकाल रहे थे नर्सेज अपने जो अल्प मानदेय को लेकर। यहाँ पर जो इनकी मांग है कि जो मानदेय अन्य राज्यों की तरह तर्ज पर किया जाए और मिनिमम जो मानदेय है वो 26,500 रुपए किया जाए। इसको लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर मार्च निकाल रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने इनको कोरोना प्रोटोकॉल के चलते मार्च करने से रोका और वापस समझाइश करके वापस इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।